हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पिस्टाचू केक की विद रोज आइसिंग। मैंने यहाँ मिनी केक्स बनाए हैं, बट आप इसे ऐसे फुल केक्स की तरह भी बना सकते हैं या एक पेस्ट्री की तरह भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और साथ ही में मिलेंगे आपको कुछ बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स। मैंने ये केक अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स को खिलाया है और ये सबका कहना है कि प्रिया, हमने ऐसे फ्लेवर्स कभी भी पहले नहीं खाए। So do try it at home for this Valentine's Day and spread some love in and around you. So pista ka sponge banane ke liye maine ya sugar aur maida dono ko acche se chhan liya hai 3-4 baar. Aur ye hai hamare pista. Pista ko aap is tarah se thoda sa coarse piece le. Jab bhi aap sponge banate hai nuts dal ke to sponge dense banta hai due to nuts. उसको लाइट बनाने के लिए हमें ये अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3-4 बार छानना पड़ता है। अब बनाएंगे हम बटर मिल्क। उसके लिए ले रूम टेम्परेचर पे मिल्क और डालें विनेगर और मिला के रख दे 10 मिनट के लिए। अब एक बर्तन में ले शुगर, शुगर में डालें ऑयल, ऑयल और शुगर को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बना लें। अब इसमें डालें बटर मिल्क जो हमने बना के रखा था। फिर बटर मिल्क को भी धीरे धीरे करके बैटर में मिक्स कर लें। अब इसमें डालें मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सबको अच्छे से छान लें। मैंने पहले भी छान के रखा हुआ था मैदा, लेकिन मैंने इस स्टेज पे वापस से छान लिया है। अब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और एक स्मूथ बैटर रेडी कर लें। स्मूथ बैटर रेडी होने के बाद अब आप इसमें डालें पिस्ता एसेंस, एक या दो ड्रॉप ग्रीन फूड कलर और जो पिस्ता हमने पीस के रखा था वो। सबको अच्छे से मिला लें और एक ये बेकिंग ट्रे में डाल दें बेक करने के लिए। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा के रखा हुआ था। अब आप इसे बेक होने के लिए रख दे 150 डिग्री सेल्सियस पे 30-35 मिनट्स के लिए। बेक होने के बाद ही हमारा केक तैयार है, लेकिन इसका ही थोड़ा सा पोर्शन मेरा छोटा बेटा आके खा गया है। इसको निकालें जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए। मैं इसको अब बीच में से काट रही हूँ to do rose icing. Now see the perfect pista sponge is ready. Guys, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए ला सकूँ। अब मैं बना रही हूँ मिनी केक। सो एजेस को मैं इसलिए ट्रिम कर रही हूँ जिससे हमारा स्पॉन्ज साइड से ग्रीन कलर का दिखे इंस्टेड ऑफ ब्राउन कलर। और मैंने ये मोल्ड के साइज के हिसाब से अपने स्पॉन्ज को कट कर रही हूँ। अब आप एक पोर्शन को उठा के अपने मोल्ड में डाल लें। अब स्पॉन्ज को हम मॉइस्ट करेंगे मिल्क से। मिल्क के अंदर डालें शुगर, और थोड़ा सा पिस्ता एसेंस मिला लें और साइड में रख दें। अब लें नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम, ये एकदम चिल्ड है। उसमें डालें रोज एसेंस। रोज एसेंस का थोड़ा ध्यान रख के डालें क्योंकि वो बहुत जल्दी ओवर पावर कर जाता है, तो यहाँ रोज एसेंस का क्वांटिटी थोड़ा कम साइड पे ही रखें। और उसमें मैं ये डाल रही हूँ फूशिया कलर, आप यहाँ रेड या थोड़ा पर्पल कलर भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसे अच्छे से व्हिप कर लें स्टिफ पीक्स तक। व्हिप करने के बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम पाइपिंग बैग में डाल दी है। अब आप यहाँ स्पॉन्ज को मॉइस्ट करें इस मिल्क के साथ। इससे क्या होगा, आपका स्पॉन्ज थोड़ा मॉइस्ट रहेगा एंड जब आप खाएंगे तो वो आपको ड्राइनेस महसूस नहीं होगा अगर वो आप एक या दो दिन बाद भी खा रहे हैं। अब आप इसके ऊपर ये पाइप कर दे थोड़ी सी क्रीम, फिर आप लगाएं एक और लेयर ऑफ स्पॉन्ज
उसको भी आप वापस मिल्क से मॉइस्ट कर दें। एंड फाइनली ऊपर से लगाएं एक फाइनल रोज आइसिंग। अब आप ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं सूखी हुई गुलाब की पत्तियों से या फिर पिस्ता से। मेरे पास दोनों हैं, मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। आप इसे ऐसे मिनी केक जैसे भी बना के खा सकते हैं या फिर पेस्ट्रीज कपकेक्स जैसे भी या एक फुल केक की तरह भी। सो माय रिक्वेस्ट इज गाइस डू ट्राई दिस डेजर्ट। दिस हैज सम अमेजिंग फ्लेवर्स एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।